डोस बेनी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेनीविया के कंटेंट, डोस बेनीविया किन किन कीटकों पर काम करता है, किन फसलों में और बेनीविया को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में आज की खास बात। लेकिन उससे पहले वीडियो के टाइटल को समझते हैं। बेनीविया एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जिसे ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कंपनी भी कहती है। कंपनी ने बॉटल पर सिर्फ दो स्प्रे लेने की सिफारिश की है। इसे आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। जैसे रामायण काल में सब अस्त्र शस्त्र विफल होने पर ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते थे, वो हर लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक आयु में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते, वो भी आपातकाल की परिस्थिति में। उसी तरह बेनीविया अच्छे अच्छे कीटकों को कंट्रोल करता है, पर उसे भी हमें एक दो बार ही ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बेनीविया में साइएंट्रेन इलिप्रोल 10.26% ओडी फॉर्म में है। ओडी का मतलब ऑयल डिस्पर्जन है, जिसमें ऑयल बेस्ड सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। बेनीविया रस शोषण करने वाले और चबा के खाने वाले कीटकों पर काम करता है। इनमें थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, स्टेम बोरर, लिप हॉपर, लिप माइनर भी आते हैं। इसका छिड़काव लगभग सभी फसलों में किया जा सकता है, जिनमें से प्रमुख अंगूर, अनार, सेब, टमाटर, मिर्च आदि फसल है। बेनीविया स्प्रेइंग के बाद पत्तियों में ट्रांसलेमिनार एक्शन से पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाता है और इसमें जाइलेम एक्शन होने से ये पौधों में ऊपर की ओर जा सकता है। बेनीविया कीटकों के अंदर स्पर्श से और मुंह में से अंदर जाता है और कीटकों के स्नायु में से कैल्शियम कम कर कीटकों को पैरालाइज कर देता है, जिससे कीटक मर जाता है। बेनीविया के स्प्रेइंग के बाद 2-3 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए, मतलब बेनीविया का रेन फास्टनेस 2 घंटे का है। बेनीविया का डोस 1 एकड़ के लिए 240 मिली है। 1 एकड़ के लिए कम से कम 400 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और 200 लीटर पानी में 120 मिली बेनीविया मिलाकर छिड़काव करें। इसमें अलग से स्टिकर या स्प्रेडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही बेनीविया में स्टिकर मिला है। घोल बनाने के तुरंत बाद छिड़काव करें, क्योंकि कुछ वजह से बहुत से किसानों को अगले दिन स्प्रे देना पड़ता है, जिसे करने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो छिड़काव के वक्त ही घोल बनाकर तुरंत स्प्रे करें। बेनीविया पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, इसलिए इसे हरा त्रिकोण दिया गया है। बेनीविया फसल की विगर बढ़ाकर फसल की उपज भी बढ़ाता है। अभी आप कहेंगे ये कीटनाशक है और इसका उपज का क्या संबंध है? तो दोस्तों, जैसे आप एलियट, फॉलिक्यूर, नेटियो, कराटे का स्प्रे लेने से फसल में जैसी विगर बढ़ती है, वैसे ही विगर बेनीविया से बढ़ती है। इन सब में विगर बढ़ने का कारण इनके अदर इंग्रेडिएंट्स में फिनेल, अमीनो एसिड्स का होना है, बाकी कुछ नहीं होता। आज की खास बात बताने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, बेनीविया ओविसाइड है, मतलब अंडों को नष्ट भी करता है। यह लार्वासाइड भी है, मतलब यह लार्वा को यानी कि इल्लियों को भी खत्म करता है। और सबसे अच्छी बात, यह अडल्टसाइड है, मतलब यह प्रौढ़ अवस्था वाले कीटक जिनको मारना सबसे मुश्किल होता है, यह उन्हें भी आसानी से मार देता है, इसलिए इसे अडल्टसाइड भी कहते हैं। और आज की खास बात, बेनीविया का विश्व में बीजोपचार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह आसानी से बीजों के अंदर जाता है, अंकुरण के बाद यह जाइलम एक्शन से ऊपर की ओर भी जाता है और इसका बीजोपचार के इस्तेमाल से ज़मीन के कीटकों पर आसानी से नियंत्रण मिल जाता है, इसलिए इसे विश्व में सॉइल सिस्टेमिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। पुराने वाले लाइक करो, नए वाले सब्सक्राइब करो। जय जवान, जय किसान।